बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय हो, जय हो। बस 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 बहुत है गई। हाँ, बहुत ही अच्छे भाव और बहुत ही अच्छे संस्कार। देखिए, भरी सभा में बोलना कोई आसान काम नहीं है, और अमरीका ऊपर से नीचे तक पसीना आ जाता है। और बोले बांके बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोली आप भक्तों की। और जो एक बार अमेरिका चला जाता ना, वो ऐसी भाषा ही बोलने लगता है, राधे राधे। अभी अमेरिका से आया था, मेरे से भी लंबा है ना। मनीष सुखदेव जी महाराज राज्य परीक्षा से कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि मेरे दादाजी थे यदु। सुंदर है ना, इनकी मम्मी और भी ज्यादा सुंदर है। बताया कि मेरे दादाजी थे यदु। हाय रब्बा। दत्तात्रेय जी महाराज के पास पहुंचे और कहा, बाबा इतने मोटे ताजे आप रहते हैं, खाते क्या हैं? बाबा ने बताया, मैंने अपना जीवन संत सेवा में लगा दिया है और जिससे मुझे जो शिक्षा मिलती है, मैं उसे गुरु जैसा आदर करता हूं। मैंने अपने जीवन को गुरुओं की सेवा में लगा दिया है। मैंने अपने जीवन में 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। जो गुरु दीक्षा दें वो एक गुरु, और जिससे ज्ञान मिले हमें गुरु जैसा उनका आदर सत्कार करना चाहिए। संतों की निंदा करना बहुत बड़ा पाप होता है। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होए पाप गो घात समाना। संतों की भक्तों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। कलिकाल कलि की विशेषता, जो परमात्मा का नाम सुनाए परमात्मा के समान हो जाता है। इसलिए हमारे कल्याण के लिए जो हमें अच्छा लगे ग्रहण कर लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगे हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से दूसरे के पाप हमारे सिर पर आते हैं, निंदा सुनने से और भी ज्यादा आते हैं। मैंने 24 गुरु बनाए, पृथ्वी आयु आकाश मयो अग्नि चंद्रमा रवि कपतो अजगर सिंधु मतंगो मधुकृत गजे। मैंने सबसे पहले अपनी मां को गुरु बनाया, और जीवन में सबसे बड़ी कोई गुरु है तो माँ है। माँ चाहे तो बच्चा को विद्वान बना दे, ज्ञानी बना दे, ऑफिसर बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, शराबी बना दे, कबाड़ी बना दे। एक बार एक बच्चा था, किसी की पेंसिल को कॉपी को चोर लाया। माँ से बोला, माँ मैं राहुल की पेंसिल को ले आया हूँ। माँ ने कहा, बेटा बहुत अच्छा किया, तेने कम से कम 3 रुपये का फायदा तो कर लिया, मेरा बेटा और बड़ा हो जाए। और शास्त्र कहते हैं, जो माता पिता आशीर्वाद दे देते हैं उनको भगवान भी टार नहीं सकता है। किसी दिन किसी के बैग को ले आया, आगे चलकर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, राजा के यहां डकैती डाल दी, राजा ने फांसी के आदेश दे दिए। और जब फांसी लगती है, पूछा जाता है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, किसी से मिलना है, कुछ इच्छा हो आखिरी कि हाँ, क्या किससे मिलना है? मां से। माँ रोती आ रही है, पछाड़ खाती आ रही है, बेटा बुढ़ापे में कौन मेरी सेवा करेगा, कौन देखभाल करेगा? बेटा तू तो मेरे प्राणों से भी प्यारा है, एक बार मुझसे मिल तो ले कम से कम। सलाखों के अंदर बेटा था, जैसे ही माँ सलाखों के पास गई, बेटा ने हाथ निकाल के नाक और आंख और कान उखाड़ लिए। दुष्टनी पापनी माँ, आज जो फांसी लग रही है मुझे, तेरे कारण लग रही है। इसलिए माँ सबसे बड़ी गुरु बताइए। जैसे संस्कार माँ डालना चाहती है बच्चे में, वैसे ही पनपने लगते हैं। उसके बाद मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, शिक्षा प्राप्त की कि पृथ्वी के ऊपर हम सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं, पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, फिर भी पृथ्वी माँ हमको खाने को देती है। हमारा स्वभाव माँ पृथ्वी जैसा होना चाहिए। हमारे साथ चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें दूसरे के हित के लिए परहित की भावना सदैव रखनी चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। मैंने वायु को गुरु बनाया, शिक्षा प्राप्त की। वायु चलती है, दिखाई नहीं देती, और वायु के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। शिक्षा प्राप्त की,
कि जैसे वायु वायु दूसरों का कल्याण करती है, जीवन देती है, फिर भी अपना दिखावा नहीं करती। मैंने शिक्षा ली कि हमें दूसरे की भलाई तो करनी चाहिए, परंतु दिखावा ज्यादा नहीं करना चाहिए। मानव शरीर मिला है, फर्ज बनता है दूसरे की सहायता करने का, धर्म के कार्यों में सहायता करने का, गौ माता की सेवा करने का, पड़ोसियों की कोई परेशानी आए तो परेशानी को दूर करने का जितना भी सहयोग हो सके करना चाहिए। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मैंने आकाश को गुरु बनाया, शिक्षा कि आकाश अनंत है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे ही मेरे परमात्मा का नाम अनंत है, हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। इसलिए परमात्मा की कथा अनंत है, जितना भी समय के अनुसार सुना जाए, परमात्मा के नाम में कभी त्रुटि नहीं देखनी चाहिए, कमी नहीं देखनी चाहिए। अरे उन्हें तो ऐसी सुनाई, ये तो ऐसे सुना रहे हैं, कथा तो छोड़ दी, ऐसा नहीं, अथाह है, पार कोई नहीं पा सकता। समय के अनुसार जैसे जैसे होता है वैसे वैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम कथा सुना नहीं सकते। उसके बाद मैंने अग्नि को गुरु बनाया, जैसे अग्नि में सबको जलकर नष्ट हो जाता है, ऐसे ही हमारे अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए। पहले तो बुरी बात कोई सुननी नहीं चाहिए, अगर फिर भी इधर उधर की कोई गंदी बात हमारे अंदर आ जाए तो अपने अंदर ही जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, इधर की उधर, उधर की उधर नहीं लगानी चाहिए। चंद्रमा को गुरु बनाया, शिक्षा प्राप्त की। चंद्रमा अमावस्या के दिन कितना बड़ा होता है, बोलो ना, कितना बड़ा, आधा होता ही नहीं है, चंद्रमा होता ही नहीं है, डब्बाली में चंद्रमा ही गायब कर दिया। चंद्रमा होता है परंतु उस दिन दिखाई नहीं देता, पूर्णमासी को पूरा होता है, अष्टमी को लगभग आधा होता है, अमावस्या के बाद को दौड़ती जाती है, छोटा 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 छोटा, उसकी कला छोटी बड़ी दिखाई देती है, चंद्रमा एक जैसा होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, यदु जी मैंने शिक्षा प्राप्त की चंद्रमा से, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है, आत्मा सदैव एक जैसी होती है, उसका आकार ही छोटा बड़ा होता है, वही आत्मा हमारे अंदर है, वही हाथी के अंदर है, वही चींटी के अंदर है। इसलिए चींटी को मारना भी हमारे शास्त्रों में वेदों में पाप बताया है। सब में ईश्वर के दर्शन करो, सिया राम में सब जग जानी, करे हूं प्रणाम जोर जुग पानी। और मैं तो यही निवेदन करूंगा अपने जो आप भक्त सुन रहे हैं, दर्शक टीवी के माध्यम से जो सुन रहे हैं, कि शुद्ध शाकाहारी बनो, चिकन खाना, मीट खाना, ये है ना पाप है, जहां तक बचा जाए। हमारे भारत की संस्कृति में इतने खाद्य पदार्थ हैं खाने के लिए, इतनी मेवा हैं, इतने मिष्ठान हैं, इतने पकवान हैं, जीवों को सताकर अपनी भूख को शांत ना करें। चींटी को भी मारते हैं, वही बिलबिलाती है, वही तड़पती है, अपने आप ही देख लीजिए, थोड़ी सी भी कोई गर्म घी की तेल की बूंद हमारे हाथ पर पैर पर कहीं पड़ जाती है, कितना दुख होता है, मारने से कितना बड़ा पाप लगता है और कितनी बड़ी पीड़ा उस जीव को होती है। इसलिए चींटी को मारना भी पाप है। शास्त्र कहते हैं, मैंने सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की कि जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह जाता है, ऐसे ही अच्छे लोग, अच्छी माताएं, अच्छे जिसके पास कोई भी पद है उसे सबके लिए समान विकास करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैंने शिक्षा प्राप्त की, मछली को गुरु बनाया। शिक्षा क्या थी कि एक मछारा होता है, अपने कांटे में अन्न का टुकड़ा लगाकर तालाब में डालता है, मछली उसे खाने के लिए दौड़ती है, पता नहीं खाती है या नहीं खा पाती, परंतु अपने प्राणों को जरूर गंवा देती है। मैंने शिक्षा प्राप्त की, ज्यादा जीव का लालची नहीं होना चाहिए, खाने पीने के पीछे पार्टियों में हायतोबा ज्यादा नहीं मचानी चाहिए। और शास्त्र कहते हैं, कन्या के विवाह में तो जहां तक बचा जाए खाने से भी बचना चाहिए, कन्यादान दीजिए और पीछे से पीछे हो लीजिए। मैंने शिक्षा प्राप्त की, एक वेश्या को गुरु बनाया है कि हाँ कि महाराज जी तुम क्या कह रहे हैं, कि मैं सत्य कह रहा हूं। एक बार एक वेश्या है, सुबह श्रृंगार कर अपनी देली पर बैठ गई, फलाने चौधरी साहब आ रहे होंगे, फलाने मल्होत्रा जी आ रहेंगे, फलाने कपूर साहब आ रहे होंगे, फलाने अग्रवाल जी आ रहे होंगे, मेरे लिए मिठाई लाएंगे, मेरे लिए गहना लाएंगे, साड़ी लाएंगे, अच्छा सा सूट लाएंगे, मुझे वहां ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे। मन में तरह तरह के सोच सोचने लगी। 10 बज गए, 12 बज गए, 3 बज गए, रात्रि के 10 बज गए।
कुछ खाया नहीं, कोई पिया नहीं, अंदर जाकर चाय भी बनाकर नहीं पी, कहीं ऐसा ना हो कोई आए और बाहर से बाहर चला जाए। भूखी प्यासी 10 बजे 11 बजे रात्रि में अपने बिस्तर पर लेट गई, पड़ गई, बैराग हो गया। जितना चिंतन, जितना ध्यान, जितना मनन संसार के कामी लोगों का मैंने किया है, इससे थोड़ा सा, थोड़े से थोड़ा सा और भी थोड़ा सा अगर भगवान का स्मरण कर लेती तो साक्षात बांके बिहारी लाल भगवान मेरी गोद में खेल रहे होते। इतनो हेते हराम ते इतनो हर से होए, चले जाए बैकुंठ को पल्लो पकड़े ना कोई। एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की काटे कोट अपराध। थोड़ा सा, थोड़े से भी थोड़ा सा भी अगर दिल से परमात्मा का चिंतन कर लिया जाए, वो हमारे करोड़ों जन्म को पापों को जलाकर नष्ट कर देता है और मानव योनि को धन्य कर देता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मैंने शरीर को गुरु बनाया, इस शरीर को शास्त्रों में कहते हैं मरणो धर्मा। हम 31 तारीख को जो थे अब नहीं हैं, और जो अवे हैं वो शाम को नहीं, और शाम को जो हैं वो कल नहीं, यानी हर क्षण हम मर रहे हैं। जो श्वास हमें मिले हैं गिनकर वो कम हो रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, हम 22 साल के हो गए, हम 32 साल के हो गए, हम 43 साल के हो गए, हम बड़े नहीं हुए, हम छोटे हो गए, अब कुछ ही बचा है। इसलिए जैसे हर क्षण हर पल हम मर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ऐसे ही हर पल हर क्षण उस परमात्मा को हर श्वास पर स्मरण करना चाहिए। श्वास श्वास पे कृष्ण रट वृथा, श्वास मत खोए ना जाने या श्वास को आमन होए ना होए। कहता हूं कह जाते हूं कहा बजाऊं ढोल, एक एक श्वास में जाते हैं 3 लोक को मोल। इसलिए हर पल कीमती है, हर श्वास कीमती है, हर क्षण कीमती है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, परहित के कार्य करने चाहिए, धर्म के कार्य करने चाहिए। ये मानव का चोला तभी धन्य होता है। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार ज्ञान दिया परमात्मा ने उद्धव जी को, मुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, भगवान अंतर ध्यान हो गए। उद्धव जी ने इस ज्ञान का प्रचार ब्रह्मांड में किया है, पूरे मृत्यु लोक में किया है। उधर मुनि सुखदेव जी कहते हैं राजन, आप क्या सुनना चाहते हैं महाराज जी? सुदामा जी महाराज के पावन चरित्र मुझे श्रवण कराएं। जो सुदामा जी महाराज, कल आपने कथा प्रसंग में सुना कि भगवान कृष्ण के हिस्से के क्या खा गए थे, अंगूर, चॉकलेट, चने को खा गए थे। फिर तो ध्यान से सुन रहे हैं ना, भगवान कृष्ण के हिस्से के चने को खा गए थे सुदामा जी महाराज। भगवान ने उनको श्राप दे दिया था, गुरुते कपट मित्र ते चोरी, कह होए निर्धन कह होए कौड़ी। जो गुरु से, मित्र से, भाई से कैसा भी छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा करते हैं, एक ना एक दिन उनको दरिद्रता घेर लेती है, परेशानियां घेर लेती हैं। जीवन में याद रखिए, भाई जैसा प्रेम कहीं मिल नहीं सकता है, परिवार जैसी शांति कहीं मिल नहीं सकती है। पैसा आनी जानी चीज है, लक्ष्मी चंचल है, आज यहां आज वहां आज वहां। लक्ष्मी किसी की अपनी नहीं हुई, परिवार अपना होता है, इसलिए माया के चक्कर में, लक्ष्मी के चक्कर में जहां तक हो सके अपने रिश्तों को बनाकर रखना चाहिए, तोड़ने नहीं चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, सुदामा जी महाराज भगवान की कथा करते थे, श्राप का प्रभाव, कोई उनसे सत्संग नहीं सुनता है, कोई हवन नहीं कराता है, कोई यज्ञ नहीं कराता है, कोई कथा नहीं कराता है। सुदामा को देखकर सब गेट बंद कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि जब मेरे प्रभु की कृपा दया दृष्टि टेढ़ी हो जाती है तो संसार के भी रास्ते बंद हो जाते हैं, और जब मेरे प्रभु कृपा करते हैं तो संसार का हर रास्ता खुल जाता है, ये सत्य है।
परमात्मा के नाम से संसार अपना बनता है। सुशीला को अपनी पत्नी को ही सुनाते हैं कथा सत्संग। सुशीला, दुनिया भारे सुने या नहीं सुने, आप सुने, क्योंकि भगवान की कथा का तो इतना प्रभाव है, कोई सुने या नहीं सुने, आप एकांत में बैठकर भी सुनाते हैं, गाते हैं, करते हैं, तो मेरे परमात्मा सुनते हैं। कोई ना कोई जीव सुनता है, कोई ना कोई वायु सुनती है, पृथ्वी माता सुनती है, इसका अनंत पुण्य मिलता है। मैंने बताया था ना आपको, मेरी कथा में कभी दो, कभी तीन, कभी चार लोग रहते थे, और मेरे गुरुजी ने कहा, बेटा सुनाते रहना, सुनाते रहना, तुम्हारा काम सुनाने का है। आज मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है, बार बार ये खुशी हो रही है, सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद साक्षात हो रहे हैं कि जो आज 15 करोड़ माता बहन इतने प्रेम से इस कथा को सुन रही है। राधे राधे, राधे राधे, जोर से बजा दो ना एक बार। हाँ, ये परमात्मा के नाम की महिमा है, ईश्वर नाम की महिमा है। परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। सुदामा जी महाराज, गरीबी आ गई, परेशानी आ गई, परंतु परमात्मा के नाम को नहीं छोड़ा। उनकी सोचती परेशानी उसको कहते हैं जब परमात्मा से विमुख हो जाएं, परमात्मा से दूर हो जाएं। कुंती द्रौपदी, आपने सुना देखा, क्या मांगा, कष्ट दुख, हमें कष्ट चाहिए, दुख चाहिए, प्रभु तेरा स्मरण उसमें ज्यादा होता है, तुझे हम ज्यादा याद करते हैं, दिल से करते हैं जब आपत्ति विपत्ति आती हैं, हम विपत्ति को विपत्ति नहीं मानते, असली विपत्ति वो है जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, गुरु से विमुख हो जाते हैं, सेवा से हम दूर हो जाते हैं, परमात्मा के नाम से जब दूर हो जाते हैं, वो असली दुख है। सुशीला तुम सुनो, भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं, सत्संग करते हैं। सुशीला, मेरे बिहारी जी बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं, और ये ऐसे हैं, कैसी भी भावना लेकर जीव इनके दर पर चला जाए तो मेरे परमात्मा उनके सब अवगुणों को, कष्टों को, दुखों को हरण कर लेते हैं, और अपनी कृपा से जो चाहे वो प्रदान कर देते हैं। पूतना परमात्मा को जहर लगाकर मारने के लिए गई, पर मेरे प्रभु ने उस पूतना को माँ यशोदा जैसी गति प्रदान की। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, बोलो ना, पूरी है गई लाल। परमात्मा कृपा करते हैं, और ये कोई और नहीं है, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, हम एक साथ एक थाली में खाते थे, एक साथ पढ़ते थे, तरह तरह की बात करते थे, हंसी मजाक बहुत करते थे, सही में। और जो हम कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं, ये भी मेरे कर्मों का भोग है। मैंने उनके हिस्से के चनान को एक बार खा लिया था, उन्होंने श्राप दे दिया, उस श्राप को हम भोग रहे हैं। और वो बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं, कन्हैया मेरा मित्र है। सुशीला सत्संग सुनते बोली, प्रभु प्राणनाथ, जब तुम्हारे मित्र इतने बड़े हैं, त्रिलोकी के राजा हैं, द्वारका के राजा हैं, तो क्यों नहीं तुम उनके पास जाते हैं, धन लेकर आते हैं, गरीबी हमारी दूर हो जाएगी, और कभी प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की तो हम उनके धन को वापस लौट डालेंगे। सुशीला, मैं और मित्र के यहां मांगने के लिए जाऊं? मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते थे कि मांगन मरन समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगते मरनो भलो, ये सतगुरु की सीख। मांगना नहीं, मरना अच्छा है, मेरा काम है आशीर्वाद देने का, मेरी दिल की इच्छा है दर्शन करने की, बड़ी व्याकुलता हो रही है अंदर से, दर्शनों से निहाल हो जाऊंगा, बहुत याद आ रही है, कल्याण हो जाएगा। दरस परस मुखमंजन पाना, कटे हूं पाप के वेद पुराना, और मेरे प्रभु के सत्संगों के तीर्थों के दर्शन करने हम इसलिए गंगा स्नान के लिए जाते हैं, इसलिए बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने से नेत्रों के द्वारा प्रभु की कृपा बरसती है। और मेरे बिहारी जी तो ऐसे हैं, एक बार उनसे नैन से नैन लड़ जाए ना, हाय रब्बा,
आंखों के द्वारा भीतर ही भीतर तपन सूरज में होती है, तपना जमी को पड़ता है, मोहब्बत आंखों से होती है तड़पना। हाय रब्बा। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।